डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 2A स्लैब के बारे में। 2A स्लैब, तो मैंने आपको बताया था कि 2A स्लैब जो होती है इसमें दो स्पैन होते हैं। अगर ये कोई स्लैब है ये, तो ये होता है हमारा लॉन्ग स्पैन, ये होता है हमारा लॉन्ग स्पैन, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्पैन। और जो छोटा वाला स्पैन होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट स्पैन। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्पैन। तो जो लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का रेशियो होता है, लॉन्ग स्पैन अपॉन शॉर्ट स्पैन, ये हमेशा 2 से कम होता है। क्या होता है? हमेशा लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो होता है 2 से कम होता है। किसमें? तो 2A स्लैब में। क्लियर है? 2A स्लैब में लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो होता है 2 से हमेशा कम होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, एक 2A स्लैब का प्लान तथा सेक्शनल एलिवेशन खींचिए जिसके लिए डेटा दिए गए हैं तथा उचित स्केल का प्रयोग करें। जो डेटा दिया गया है उसमें पहला है आपका RCC स्लैब 4 मीटर × 6 मीटर का। तो 4 मीटर हमें सबसे पहले दिखाई देगा, 4 मीटर को हम लोग क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। 4 मीटर को हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर खींच लेंगे। तो आइए खींच लेते हैं 4 मीटर को। सबसे पहले जो हमारा स्पैन है इसको, ये 4 मीटर स्पैन को हम लोग खींच लेंगे। तो इसको स्केल पर चेंज करेंगे। हमने स्केल लिया है 1:20 का। कितने का? 1:20 का स्केल लिया है। तो 4 मीटर को जब सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। और इसको डिवाइड कर देंगे स्केल पर, यानी कि स्केल कितना है हमारा? 20 का स्केल है। तो 20 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए कितना आया, 20 सेंटीमीटर आया। 400 सेंटीमीटर को 20 के स्केल पर चेंज किया तो 20 सेंटीमीटर आया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर की एक लाइन हम लोग खींच लेंगे। तो आइए 20 सेंटीमीटर की एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। ये ये, उसके बाद वाल की थिकनेस दिया है 400 mm, तो इसको स्केल पर चेंज कर लेंगे। 400 mm में है ये, इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो ये भी आ जाएगा आपका 20 mm। चूंकि ये mm में है तो 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर इसको हम लोग खींचेंगे। यहाँ से 2 सेंटीमीटर इस साइड में आपको दिख रहा होगा, हमने क्या किया है, ये 2 सेंटीमीटर पे एक हमने पॉइंट कर लिया है और इसको क्या कर लेंगे? इसको हम लोग खींच लेंगे। ये, और इसको यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस कर देंगे। इसको इस प्रकार से कंटिन्यू, फिर इसी प्रकार इस साइड में भी यही काम इस साइड में भी कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर यहाँ से पॉइंट कर लेंगे और यहाँ से इसको क्या कर लेंगे? खींच लेंगे और इसको हम लोग कंटिन्यूअस कर लेंगे। इस प्रकार से ये हमने कंटिन्यूअस कर लिया। इसके बाद तीसरा जो है स्लैब की बियरिंग, हमारे पास डेटा है स्लैब की बियरिंग 150 mm दिया है। कितना दिया है? 150 mm स्लैब की बियरिंग आपका दिया है। तो इसको हम लोग खींच लेंगे 150 mm, स्केल पर चेंज करेंगे इसको 20 से डिवाइड करके तो ये हमारा आएगा 7.5 mm। 7.5 mm आया तो 7.5 mm और अंदर की तरफ हम लोग ले लेंगे, लगभग 8 mm के बराबर आप इसको खींचेंगे। कितना? लगभग 8 mm के बराबर आप इसको खींच लेंगे। तो ये यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे? लगभग 8 mm के बराबर यहाँ तक और आगे इसको बढ़ा देंगे। ये जो हमारी बियरिंग होती है, इस साइड में भी जो बियरिंग है इसको हम लोग लगभग 8 mm तक क्या कर लेंगे? बढ़ा देंगे इस साइड में। ये देखिए हमने बढ़ा दिया है। अब क्या करेंगे? जो स्लैब की थिकनेस है
स्लैब की थिकनेस भी 150 mm दिया है, यानी कि उस 150 को भी स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 ही आएगा। तो 7.5 यानी कि 8 mm ये हम लोग यहाँ पे इसको खींच लेंगे, और इस साइड में भी 8 mm 8 mm के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ खींच लेंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। ये यहाँ पर इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद वाल को भी, जो वाल है इनको भी ऊपर तक ले जाके हम लोग इस प्रकार से मिला देंगे, और इस साइड में भी जो वाल है इसको ऊपर तक और ले जाके और इसमें क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसमें जो हमारा कवर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिइंफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो रिइंफोर्समेंट जो होता है टू वे स्लैब में, दोनों साइड में मेन बार सी लगती हैं, दोनों साइड में मेन रिइंफोर्समेंट बार सी लगती हैं। जो हमारा वन वे स्लैब था उसमें एक साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती थी और दूसरे साइड में मेन बार, लेकिन इसमें मेन बार सी दोनों साइड में लगेंगी 16 mm डाया की 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो हमारा जो कवर है वो 20, इस 20 को स्केल पर जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 20 / 20 विल बी इक्वल टू 1, 1 mm आ जाएगा। तो 1 mm हम लोग क्या कर लेंगे, कवर छोड़ देंगे। 1 mm हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कवर छोड़ देंगे। तो 1 mm आइए कवर छोड़ देते हैं, ये 1 mm हम लोग कवर छोड़ देंगे। और इंड एज कितना छोड़ना है, इंड एज हम लोगों को छोड़ना है 25, यानी कि लगभग 1.5 के बराबर। तो यहाँ से 1.5 mm के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, इंड एज और कवर कितना यहाँ से छोड़ देंगे, 1 mm ये, और इसको क्या करना है, खींच देना है। तो इसको आइए खींच लेते हैं, इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, इसको खींच लेंगे ये, और यहाँ पर इसको भी हम लोग खींच लेंगे जो हमारा इंड एज है, और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। इस साइड में भी इसको हम लोग खींच के और मिला देंगे ये देखिए हमने इसको मिला दिया है। ये हमारा किनारे पर ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 1.5 mm है जो कि हमारा क्या है, इंड एज है, और ये हमारा कवर है 1 mm के बराबर, ये हमने इसको खींच लिया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब जो हमारी ये क्लियर स्पैन है, ये क्लियर स्पैन है और ये जो हमारी बियरिंग है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बेंट अप बार्स L/7 पे हमें लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन है। कैपिटल L इक्वल टू कितना है, 4 meter। तो जो हमारी इफेक्टिव स्पैन होगी वो हो जाएगी, इफेक्टिव स्पैन इसका आधा होता है यहाँ से, और इसका आधा इस साइड में भी इसका आधा होता है। हमने आप लोगों को बताया था कि जो बियरिंग होती है उसका दोनों साइड से आधा पार्ट ले लेते हैं, बियरिंग का दोनों साइड से आधा पार्ट ये। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी ये हमारी इफेक्टिव स्पैन हो जाती है। ये क्या हो जाती है, इफेक्टिव स्पैन, और ये स्मॉल एल होती है और ये इक्वल टू होती है, देखिए 4 meter ये था और 4 meter क्लियर स्पैन के साथ 150 mm इस साइड में छूटा है और 150 mm इस साइड में जो हमारी छूटी है उसका 300 mm का आधा कर लेंगे तो 150 mm हो जाएगा, यानी कि पूरा कितना हो गया, 4.15 meter। कितना आ गया, 4.15 meter। क्यों, क्योंकि 150 जो छूटा है हमारी बियरिंग उसी को इसमें क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक।
तो ये हमारी 4.15 मीटर में हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहीं L, इस L 4.15 मीटर को, जो हमारा 4.15 मीटर है, 4.15 मीटर है, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। और फिर इसमें डिवाइड कर देंगे L बाई 7, इसका करना है रिइंफोर्समेंट बार को क्या करना है, बेंड करना है L बाई 7 पर, तो यहाँ पे L बाई 7 करेंगे, तो L बाई 7 इसका करेंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। ये L की वैल्यू है 415, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हमारा जो आ गया 415, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हमारा आ गया 59.28, ये सेंटीमीटर में आ गया। और इसको पुनः स्केल पर चेंज करेंगे, अब तो स्केल हमारी 20 की है, तो 20 की स्केल से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 2.964, 2.964 कितना आ गया, 4, यानी कि लगभग 3 सेंटीमीटर, लगभग कितना ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर के बराबर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, और यहीं से इसको क्या कर देते हैं, बेंट कर देते हैं, यहीं से इसको बेंट कर देते हैं, कितने एंगल पे, तो 45 डिग्री पे। ये देखिए मैं 45 डिग्री पे इसको, ये ये 45 डिग्री पे हम लोग क्या कर लेंगे इसको, इस प्रकार से खींच लेंगे, और पुनः यहाँ इस प्रकार से खींच के बेंट अप बार को, और हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ इस प्रकार से मिला देंगे, ये हमारी बेंट अप बार हो गई। दूसरे साइड में भी 3 सेंटीमीटर छोड़ के, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर छोड़ के, और यहाँ से इसको 45 डिग्री एंगल पे मूव करा लेंगे, ये और इसको यहाँ पर खींच लेंगे, इस प्रकार से ये हमारी बेंट अप बार हो गई। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो दूसरी साइड वाली मेन बार्स हैं, 200 mm सेंटर टू सेंटर हैं, क्या हैं, 200 mm सेंटर टू सेंटर हैं, तो इनको स्केल पर हम लोग चेंज कर लेंगे। 200 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर में इसमें जो दूसरे साइड में मेन बार्स लगी हैं उनको लगा देंगे, कितने कितने पर, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो 1-1 सेंटीमीटर पर हम लोग इस तरीके से पॉइंट कर लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और यहीं पर जो हमारी इसमें दूसरे साइड में जो बार्स लगी हैं इनको हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे, ये इस प्रकार से हम लोग 1-1 सेंटीमीटर पर, स्केल पर 1 सेंटीमीटर आ रहा है, एक्चुअल में कितना है, 200 mm सेंटर टू सेंटर है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इन बार्स को प्रोवाइड कर लेंगे, ये इसी प्रकार बेंट अप बार्स में भी दिखा देंगे इनको, ये इस प्रकार से, और यहाँ भी दिखा देंगे, ये लगी है, और यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है इसको हम लोग लगा देते हैं, जो हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। इस साइड में भी एक्सपेंशन ज्वाइंट को हम लोग क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे इस प्रकार से, एक्सपेंशन ज्वाइंट को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो वाल है उसकी हैचिंग कर लेंगे, तो आइए वाल की हैचिंग कर लेते हैं, 45 डिग्री एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, वाल की हैचिंग कर लेते हैं, 45 पे, कितने पे, 45 पे, तो यहाँ पे हम लोग वाल की हैचिंग कर लेंगे,
ये इस प्रकार से। दूसरे साइड में भी वाल की हैचिंग हम लोग कर लेंगे। ये इस प्रकार से। उसके बाद जो ये हमारा L बाई सेवन है, इसको दिखा लेंगे। L बाई सेवन को L बाई सेवन को हम लोग यहाँ पे दिखा लेंगे। और ये इक्वल टू कितना था, ये इक्वल टू L बाई सेवन लगभग हमारा स्केल पे जो आया था वो 3.2.96 आया था, हमने लगभग 3 सेंटीमीटर लिया था, तो इसको हमें दिखा देना है। अब क्या करेंगे, इसमें जो वाल है इसको दिखा देंगे कि ये कितने की है। और इसके बाद अब हम लोगों का सेक्शनल एलिवेशन कंप्लीट हुआ। अब इसका प्रोजेक्शन खींच लेंगे, किसके लिए, प्लान बनाने के लिए। तो प्रोजेक्शन आइए खींच लेते हैं, सभी लाइनों का हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोजेक्शन खींच लेते हैं। और प्रोजेक्शन खींचते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लान बनाएंगे। तो आइए खींच लेते हैं। ये वाल का हमने प्रोजेक्शन खींच लिया। और इसी प्रकार से इस साइड में हम लोग आएंगे, इसको खींच लेंगे। ये फिर नीचे से भी हम लोग खींचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग इसका प्रोजेक्शन खींच लेंगे ये, और इसको मिला देंगे ये इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको हम लोग कंटिन्यूअस कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यूअस करना है, क्योंकि हम लोग नीचे तक जानते हैं कि बना नहीं पाएंगे पूरा, तो इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस करना है। तो आइए पहले हम यहाँ पूरा खींच लेते हैं। इसको भी खींच लेते हैं ये, और इसको मिला देंगे यहाँ पर। लेकिन कंटिन्यूअस भी करना है, इसका भी ध्यान हमें रखना है। ये दो जगह हम लोग क्या कर देंगे, इसको कंटिन्यूअस कर देंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारी 6 मीटर वाली डिस्टेंस है उसको हम पूरा दिखा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कंटिन्यूअस कर दे रहे हैं। ये 4 मीटर वाली तो हमने पूरा खींच लिया, लेकिन 6 मीटर वाली को हमने पूरा नहीं दिखाया है, तो इसलिए। उसके बाद ये जो वाल है, वाल की हम लोग क्या कर लेंगे, जो पोर्शन प्लान से दिखेगा वो ये वाला रहेगा, तो इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसका भी इस प्रकार से प्रोजेक्शन खींच लेंगे। और जितना ये होगा 1.1 आ रहा है लगभग, तो 1.1 इस साइड से भी हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे 1.1 इस साइड से भी छोड़ देंगे, और इसको इस प्रकार से हम लोग खींच लेंगे। इस साइड से भी 1.1 छोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। ये इस प्रकार से खींच लेंगे, और 1.1 इस साइड से भी छोड़ के क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर 1.1 छोड़ दिया है, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे ये हमारी वाल हो गई। अब इसके बाद इसमें बार्स प्रोवाइड कर देंगे। तो बार्स प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले जो L बाई सेवन है इसको हम लोग हल्का खींच लेंगे, ताकि सिर्फ हमें दिखाई दे। L बाई सेवन वाला ये जो पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन हम लोग क्या कर लेंगे, पहले खींच लेंगे, ताकि सिर्फ हम लोगों को ये समझ में आए, बाकी किसी को ये दिखाई ना दे। L बाई सेवन ये, इस साइड से भी L बाई सेवन वाले को हमने क्या किया है,
ये हिस लिया है, और एल बाई सेवन चूँकि मेन बार्स दोनों साइड में प्रोवाइड हो रही हैं, लॉन्ग स्पैन में और शार्ट स्पैन में दोनों में मेन बार्स प्रोवाइड हो रही हैं, तो इसलिए ऊपर भी बेंट करेंगे बार को, यानी कि चारों दिशाओं में बेंट करेंगे। तो इस साइड से भी एल बाई सेवन हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि एल बाई सेवन के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पॉइंट कर लेंगे। ये हमारा एल बाई सेवन है, इसको क्या कर लेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जो बार्स हैं उनको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार लगी है, इसको खींच लेंगे। पहली बार को ऊपर की तरफ हम लोग क्या नहीं करेंगे, कंटिन्यूस सॉरी बेंट नहीं करेंगे। तो पहली वाली को पूरा हम लोग खींच लेते हैं, ये दूसरी वाली को ऊपर बेंट कर देंगे, दूसरी वाली को क्या कर देंगे, ऊपर बेंट कर देंगे। तो ये एल बाई सेवन है, तो यहाँ तक ये क्या होगी, बेंट होगी। तो यहाँ तक डॉटेड दिखाएंगे इसको, यहाँ तक, और उसके बाद से खींच लेंगे। फिर तीसरी वाली, ये सभी का प्रोजेक्शन हम खींच रहे हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनका सभी का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन खींच रहे हैं। तीसरी वाली को पूरा खींच देंगे, बेंट नहीं होगी। फिर चौथी वाली क्या होगी, बेंट होगी। तो इसको बेंट कर देंगे एल बाई सेवन तक, एल बाई सेवन तक। फिर पाँचवीं को बेंट नहीं करना है, अल्टरनेट बेंट करना है, का मतलब क्या हुआ कि एक को बेंट करना है तो दूसरी को बेंट नहीं करना है। ये इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। उसके बाद इसको बेंट नहीं करना है, नेक्स्ट वाली को बेंट करना है, इस प्रकार से। फिर इसको बेंट नहीं करना है, इसको बेंट करना है, ये अल्टरनेट बेंट ये आप लोग कर लेंगे। स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। अल्टरनेट हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, बेंट कर लेंगे, एक को बेंट करेंगे, दूसरी को बेंट नहीं करना है। ये कुछ इस प्रकार से, ये। उसके बाद दूसरे साइड से भी 11 mm पे हम लोग बार्स को प्रोवाइड कर लेंगे। कितने पे, एक एक एम एम पे, एक एक एम एम पे, ये एक दो तीन चार पाँच, ये इस प्रकार से हम लोग बार्स लगाएंगे। तो पहली वाली बार को हम एक साइड में, इस साइड में बेंट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी साइड में हमें क्या करना होगा, बेंट करना होगा। देखो पहली वाली को हम यहाँ पर बेंट नहीं कर रहे हैं, ये, तो इस साइड में हमें क्या करना होगा, बेंट करना होगा। हमने बताया था कि जो 2S स्लैब होती है इसमें चारों दिशाओं में बेंट किया जाता है बार्स को, चारों दिशाओं में क्या किया जाता है, बार्स को बेंट किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एल बाई सेवन से आगे हम लोग क्या कर देंगे, बेंट कर देंगे, ये इस प्रकार से। फिर तीसरी वाली को यहाँ पर बेंट नहीं करना है, और इस साइड में हम लोगों को इसको बेंट करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, देखेंगे प्रॉपरली समझ में आएगा। इस प्रकार से अल्टरनेट हम लोग क्या कर देंगे, बेंट कर देंगे। और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी। उसके बाद से इसको इस साइड में बेंट कर देंगे, ये। उसके बाद ये जो वाल है
इसकी हैचिंग कर देंगे। तो ये वाल की हैचिंग हम लोग इस प्रकार से कर देंगे, इस साइड से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग हैचिंग कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये दिख हो गया हम लोगों की हैचिंग। अब क्या करेंगे, अब जो हमारी एक्सपेंशन ज्वाइंट्स हैं इनको हम लोग दिखा देंगे। पूरे वाल में हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स को दिखा देंगे। यहाँ पर ये हम लोगों की एक्सपेंशन ज्वाइंट यहाँ पर लगी थी, तो इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार से डार्क कर देंगे। ये थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ताकि ये हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट दिखे। ये और इस प्रकार से जो हम लोगों की वीडियो है ये लगभग संपन्न हुई। और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर देंगे। तो ये हमारी वाल है, वाल की डायमेंशनिंग कर देंगे। ये 400 mm की हमारी क्या है, वाल है। उसके बाद ये जितनी भी लगी हैं सब की सब मेन बार्स ही हैं, तो इन सबों को दिखा देंगे। ये जो मेन बार्स हैं ये इस प्रकार से, ये भी मेन बार है, ये भी मेन बार है, ये भी मेन बार है, और ये भी मेन बार्स ही हैं। तो इनको हम लोग दिखा देंगे इस प्रकार से। ये और इसी में ऐड कर देंगे इनको भी, ये भी मेन बार है और ये सब भी क्या है, मेन बार सी है। जी मेन रिइंफोर्समेंट पास है। तो डायमेंशनिंग पूरी हो चुकी है। ये हमारी वाल 400 mm की, ये हमारा मेन रिइंफोर्समेंट बार, ये बेंट अप बार्स। उसके बाद L बाई 7 डिस्टेंस पे हमने बेंट किया है दोनों साइड में, और ऊपर से भी L बाई 7 पे, चूँकि वाल है ऊपर साइड में, तो ऊपर से भी वाल साइड से L बाई 7 पे हमने पूरी बार्स को बेंट कर दिया है। और नीचे हमने कंटिन्यूस किया है, क्योंकि जो ये 6 meter वाला है इसको हम पूरा नीचे तक बना नहीं पाए हैं। ये हमारा प्लान हो गया और ये हम लोगों का सेक्शनल एलिवेशन हो गया। तो ये बन के ड्राइंग कम्प्लीट हुई। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्लियर स्पैन खींच लिया 4 meter का। उसके बाद हम लोगों ने बियरिंग, दोनों साइड में बियरिंग जो स्लैब बियर कर रही है वाल पे, उसको खींच लिया। उसके बाद स्लैब की थिकनेस खींच लिया। उसके बाद उसमें
बार्स को प्रोवाइड कर दिया, जितने भी बार्स हैं उसके बाद बेंट अप बार को हमने प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद इसी का प्रोजेक्शन लेके सभी का हमने प्लान खींच लिया, जितनी भी लाइन है उनका प्रोजेक्शन लेके हमने क्या कर लिया, प्लान खींच लिया, और इसमें सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी 2S लैब की। तो थैंक यू दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको और भी सारी चीज़ें मैं क्लियर करके बता सकूं। तो थैंक यू।